आ गया आपका दोस्त मनोज। यार आप देख रहे हैं आज तो कैसा दोस्तों, आज हम बात करेंगे अगर आप एमएस स्टॉक में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं या अकाउंट ओपन कर लिए हैं तो ये वीडियो आप देखेंगे तो आपको काफ़ी बड़ी नॉलेज मिल जाएगी। क्योंकि बहुत सारे जो लोग होते हैं उनको समझ में नहीं आता कि एमएस स्टॉक के साथ जाएँ या ना जाएँ, अकाउंट ओपन कर लेते हैं आधी अधूरी ज्ञान के साथ। दोस्तों इसमें आपको बताऊँगा ये अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो कौन सा प्लान लेंगे तो आपको बेनिफिट होगा, आप कौन सा नहीं लेंगे तो आपको बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है, तो दोस्तों मान लीजिए आपने अकाउंट ओपन कर लिया है। ठीक है, इसमें दो प्लान आता है। 999 का एक प्लान आता है जिसमें ब्रोकरेज लाइफ टाइम फ्री है, और जो दूसरा प्लान आता है 999 का एक और प्लान आता है जिससे आप लाइफ टाइम AMC फ्री करा सकते हैं। दोनों मिला के 999 प्लस 999, ये दोनों प्लान ले लेते हैं तो AMC भी नहीं देना है, ब्रोकरेज चार्ज भी नहीं देना है, आप लाइफ टाइम के लिए फ्री हो जाएंगे। सिर्फ आपको जो गवर्नमेंट टैक्स लगते हैं वही देने हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि एम स्टॉक आपने अकाउंट ओपन कर लिया है दोनों प्लान के साथ, अब ऑप्शन ट्रेडिंग करना है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग करना है तो किस में करें दोस्तों? बहुत सारे लोगों के पास लैपटॉप नहीं हो पाता है, PC नहीं हो पाता है तो मोबाइल से ट्रेडिंग करते हैं। अगर आप मोबाइल से ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? क्योंकि जब आप मोबाइल ऐप ओपन करते हैं उसमें जब लॉगिन करते हैं तो उसके बाद जब आपका जो सॉफ्टवेयर होता है मोबाइल में स्लो काम करता है, यानी जब आप ओपन करते हैं पासवर्ड डालने के बाद तो कुछ समय लगता है, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड लग जाता है। तो उस दिन आप समझ जाइए कि आपका जो मोबाइल ऐप है वो हैंग कर रहा है, यानी ठीक से काम नहीं कर रहा है। उस टाइम अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे तो आपका ट्रेड फंस सकता है, बाई हो जाएगा तो सेल नहीं होगा, सेल हो जाएगा तो बाई नहीं होगा। तो इस बात पे आप ध्यान रखिए कि जब आप ओपन कर रहे हैं तो आपका सॉफ्टवेयर किस तरह से चल रहा है, यानी एम स्टॉक का सॉफ्टवेयर किस तरह से चल रहा है। अगर स्लो काम कर रहा है तो उसको उस दिन ट्रेड नहीं करना है, अगर बिल्कुल नॉर्मल तरीके से काम कर रहा है तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करना है। तो बात समझ गए मोबाइल पे कब ट्रेडिंग करना है। अब हम बात कर लेते हैं कि लैपटॉप पे या PC पे कैसे ट्रेड करें। दोस्तों लैपटॉप या PC पे आपको ट्रेड करने के लिए कुछ देखना नहीं है क्योंकि यहाँ पे हैंग नहीं करता है। ठीक है, इस पे आप सही तरीके से चार्ट देख सकते हैं, सही तरीके से बाई कर सकते हैं, सही तरीके से सेल कर सकते हैं, यानी इस पे कोई दिक्कत नहीं आया। मुझे 6-7 महीने हो गए यूज़ करते हुए, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं आई। सिर्फ मोबाइल पे दिक्कत आती है कभी कभी, ठीक है, लेकिन लैपटॉप पे दिक्कत नहीं आती है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए यहाँ पे चार्ट भी सही तरीके से ओपन कर सकते हैं। निफ्टी का मैं चार्ट ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पे सही तरीके से ओपन हो जाता है, लेकिन मोबाइल पे चार्ट कभी भी ओपन नहीं होता है। आप ओपन करके देख लीजिए, कभी भी चार्ट ओपन नहीं होगा, होगा कभी, होगा कभी नहीं होगा। ठीक है, आप इस तरह से आप सही तरीके से PC पे आप सही तरीके से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, टाइम फ्रेम भी चेंज कर सकते हैं। 1 मिनट 2 मिनट स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जब मैं स्कैल्पिंग करता हूं तो मैं 1 मिनट का चार्ट ओपन कर लेता हूं क्योंकि 1 मिनट पे हम छोटे लॉस और छोटे प्रॉफिट के लिए जाते हैं, इसीलिए 1 मिनट का टाइम फ्रेम चूज करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आ गया हो कि लैपटॉप पे कब करना है और मोबाइल पे कब करना है, दोनों पे आप कर सकते हैं, लेकिन उस पे थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा कि मोबाइल ऐप सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जिस दिन काम नहीं कर रहा उस दिन आप लैपटॉप पे शिफ्ट हो सकते हैं। दोस्तों दोनों साथ रखना बहुत ज़रूरी है, एक से आप चार्ट देखिए और एक से आप ऑप्शन ट्रेडिंग कीजिए, दोनों पे एक साथ लॉगिन कर सकते हैं। दोनों मोबाइल पर भी लॉगिन करके रखिए और लैपटॉप पर भी लॉगिन करके रखिए। ठीक है, एक काम नहीं कर रहा है तो दूसरे पे हम बाई और सेल कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको प्लानिंग बना के ऑप्शन ट्रेडिंग करना है। एम स्टॉक के बारे में और कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं अगला वीडियो उसी टॉपिक पे बना दूंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।